विंडोज यहाँ पे लगाए। प्रदेश सरकार में गन्ना मिल एवं चीनी विभाग के राज्य मंत्री सुरेश पासी ने जनपद के सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को दिए जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। वहीं उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों का भुगतान कर सरकार गन्ना किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। बात आपने किया है, बहुत अच्छी बात है। 2017 चुनाव के पहले जो हम लोगों ने संकल्प पत्र हमारी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था, उसमें किसान को प्राथमिकता पर रखा था कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हमारा प्रदेश किसान यहाँ पर ज़्यादा हैं। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2022 तक हम किसान की आय को दोगुना करेंगे। उस क्षेत्र में हमारी सरकार काम कर रही है। मैं बात करूँ कि 2017 में जब प्रदेश में सरकार बनी तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जब प्रथम कैबिनेट की बैठक किया तो जो हमारे संकल्प पत्र में था कि किसानों का हम कर्ज माफ़ करेंगे, तो पहली ही बैठक में उन्होंने किसानों के कर्ज माफ़ी के कागजात पर दस्तखत किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 36,000 करोड़ रुपए 86 लाख किसानों को कर्ज माफ़ी की धनराशि मिली, जो बहुत बड़ी उपलब्धि थी। चीनी मिल की बात आपने किया, पिछली दो सरकारों में लगभग 19 से ज़्यादा चीनी मिलें बंद की गई थी, जिसमें हमारी गोरखपुर की भी थी, बस्ती की भी थी, ऐसे 19 चीनी मिलें थी। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इन चीनी मिलों को हम चलाने का भी काम करेंगे। जब चीनी मिलें चलेंगी तो निश्चित ही किसानों के जीवन में खुशहाली आएगी। पिपराइस, मुडेरवा और रमाला की जो हमारी चीनी मिल थी उसकी क्षमता वृद्धि किया। आगे योजना है कि जितनी भी चीनी मिलें बंद है धीरे धीरे करके उनको हम सब चलाएंगे।